नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर और आज हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कल जो मंडे है, मंडे से आपको 9 बजे शाम के लाइव क्लास है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसमें हमारा टारगेट रहेगा आपका जेलपररी और SSCGD दोनों के लिए मैंने कॉमन क्लास बनाई है, जिसमें साइंस के और रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। जो इसके अलावा देखिए, हमारे 11:15 पे हमारे यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है साइंस के, वो भी डाले जा रहे हैं, जो आपके सब इंस्पेक्टर या अन्य एग्जाम है उनके लिए दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में शामिल होंगे तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर, हम लाइव क्लास में लेने के लिए इंटरेस्ट है, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज के राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो भारत में मानवाधिकार आयोग की रक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ था। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ध्यान रख लीजिएगा आप, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो आपका 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था, यानी 1993 से लागू हुआ था। इसके अलावा देखिए, 10 अक्टूबर 1993 से न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका प्रधान मुख्यालय है वो आपका दिल्ली के अंदर है, तो ध्यान रख लीजिएगा आप, हेडक्वार्टर इसका है वो दिल्ली के अंदर है। और 10 अक्टूबर 1993 है उसको हमारे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है उनकी अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची के तहत आते हैं। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक निकाय किसी मामले पर पहले से ही जांच कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जहाँ वहाँ पे, या जाँच वहाँ कर सकता है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची का ही विषय हो, यानी वो संघ सूची है उसके ऊपर वो जांच नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए, अगर कहीं पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक निकाय है वो उस मामले पर पहले से जांच कर रहा है तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसके ऊपर जाँच करे या उसमें हस्तक्षेप करे। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपसे बता दूं, आपने यदि हमारे YouTube चैनल जेपी भाकर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है वो जरूर दबाएं। आपके बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जो भी हमारे लाइव क्लास है या हमारे कोई नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आता है और आप देख लेते हैं। इसके अलावा इसकी PDF फाइल है वो आप हमारी वेबसाइट jpbhakar.com से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ से भी आप जाके जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बात करते हैं हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब किया गया था और कौन सी धारा के तहत किया गया था। तो देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था 18 जनवरी 1999 को, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और धारा इसकी ध्यान रखनी है आपको 21(1) है वो आपको रखना है। इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था। और इसके अलावा देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उन्होंने मार्च 2000 से ही अपना कार्य है वो विधिवत रूप से शुरू किया था। और आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो जयपुर में है। बात कर लेते हैं इसके संगठन की कि इसके अध्यक्ष है कौन है, सदस्य क्या है, कितने हैं। तो देखिए, इस आयोग का अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली है। और अभी हाल ही में जो आपके राजस्थान का जो पेपर हुआ था, राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके ऊपर। इसके अलावा ये सेकेंड ग्रेड का भी एक आपके सब्जेक्ट के अंदर है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है ये। तो इस आयोग का अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। संगठन इसकी बात करें तो इसके देखिए 1+4 सदस्य थे, पर अभी हाल ही में जो राजस्थान का 2006 में एक संशोधन किया गया और उसमें इनके सदस्यों की संख्या है वो 1+2 कर दी। एक का मतलब आपका यहाँ से हो जाएगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सदस्य संबंधित क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत एक न्यायाधीश होता है हो। अब देखिए, इनके सदस्य हैं उनकी बात करें तो देखिए, अध्यक्ष की तो हम बात कर चुके थे कि उच्च न्यायालय का मुख्य सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
अब बात करें हम सदस्य की, तो देखिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत एक न्यायाधीश, यहाँ पे मैं सदस्यों में बात कर रहा हूँ, एक न्यायाधीश की जो हाईकोर्ट में या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या वो कार्यरत हो, एक न्यायाधीश होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ एक न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरे सदस्य की बात करें तो सेकंड सदस्य है जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश हो, यानी वो किसी भी जिला है वो न्यायाधीश है उस वो हो या रहा हो या सेवानिवृत्त भी हो गया है तो भी चलेगा, साथ में उसको 7 साल का उसका जिला न्यायाधीश के पद पर अनुभव होना चाहिए। जिन्हें मानवाधिकार अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उससे व्यवहारिक अनुभव हो, या वह व्यक्ति जो मानवाधिकार के विषय में अच्छी जानकारी रखता हो, उस व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है सेकंड सकते सदस्य जो मानवाधिकार आयोग के विषय में अच्छी जानकारी रखता है। बात करें इनकी नियुक्ति की, तो देखिए नियुक्ति के बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अब देखिए इनके अध्यक्ष है, यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य है, उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा एक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में 6 सदस्य की एक समिति बनाई जाती है और उसकी सिफारिश पर की जाती है, लेकिन जो उसको बर्खास्त करने का अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, बाकी यहाँ पे राज्यपाल के पास भी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से, और ये यहाँ से थोड़ा सा आपको अलग हट के क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है उनके सदस्यों को बर्खास्त है वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। सदस्य समिति की सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं, और इसके अलावा देखिए समिति की सिफारिश है उनको मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य होगा। अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ध्यान रख लीजिएगा अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको शपथ की बात आती है तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है जो वर्तमान में है कार्यरत वो दिलाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का आपका न्यायाधीश है वो दिलवाएगा। धारा 22 में शामिल किया गया है इनकी शपथ को, राज्यपाल द्वारा एक कमेटी की अनुशंसा पर की जाती है, इस समिति में शामिल होते हैं। अब देखिए राज्यसभा है वहाँ कमेटी है वो कौन कौन सी बनाएगा राज्यपाल, उसमें देखिए मुख्यमंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री होगा जो उस समिति का अध्यक्ष होगा। राज्य मंत्रिमंडल सदस्य यानी आपको बात करें हम यहाँ पे गृह मंत्री वो होगा आपका, विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसमें होगा, विधान परिषद का सभापति भी होगा और विधान परिषद में विपक्ष का नेता होगा। अब देखिए राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है तो यहाँ पे जो सदस्य समिति है वो 4 सदस्यों की समिति है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वर्तमान में, क्योंकि राजस्थान में 5वां और 6ठा सदस्य वो मौजूद नहीं है क्योंकि विधान परिषद राजस्थान के अंदर नहीं है, तो 4 सदस्यों की ये समिति है राजस्थान में। अब देखो उनके पद से किस किस स्थिति में हटाया जा सकता है वो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए अध्यक्ष एवं राज्य आयोग का कोई भी सदस्य अपने पद से केवल उसी दशा में राष्ट्रपति के आदेश से द्वारा हटाया जा सकता है जब वो सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता युक्त हो, यानी देखिए राष्ट्रपति भी उसको कब हटा सकता है, उसको उस स्थिति में हटा सकता है जब उसके ऊपर कोई भी कदाचार है वो सिद्ध हो गया हो या असमर्थता युक्त हो गया हो, इस संबंध में मामला राष्ट्रपति द्वारा जांच हेतु उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा, उस न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात ही रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी और जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष और सदस्य के विरुद्ध दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा सकेगा, मर्जी से नहीं हटा सकता। उपधारा में एक के किसी बात के होते हुए भी राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने आयोग द्वारा पद से हटा सकता है जिन आधारों पर हटाया जाएगा। इसके अलावा देखिए इन अगर स्थितियाँ ये स्थितियाँ भी पैदा हो जाती है तो भी राष्ट्रपति है वो हटा सकता है, यदि वो दिवालिया हो गया हो, यदि आयोग अपने कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा कोई लाभ का पद सरकारी पद धारण किया गया हो, यानी कोई भी अगर उसने लाभ का सरकारी पद धारण किया है तो भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, दिवालिया हो गया है तो हटा सकता है, यदि वो दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्व में निवन में अयोग्य हो गया हो तो भी हटा सकता है, यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसी अक्षम घोषित कर दिया गया हो तो इसी प्रकार से भी हटा जा सकता है, और यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोष सिद्ध किया गया है तो उसे कारावास की सजा दी जा सक गई हो तो हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल है वो कितना रहेगा, तो देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उस तक उस पद तक पर बने रह सकते हैं, लेकिन यदा इन 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यदि देखिए 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो और तो इस आयु तक पूर्ण नियुक्त भी किया जा सकता है, यानी देखिए वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 साल की उम्र दोनों में से जो भी पहले हो वो माना जाता है, लेकिन इस पे उनको अगर 70 साल उनकी उम्र नहीं हुई हो और 5 साल उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो तो भी वापस उसे पूर्ण नियुक्त किया जा सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोई पद है वो ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखिए अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य या
बात करें अध्यक्ष, उसका अगर कार्यकाल खत्म हो गया है तो कार्यकाल खत्म होने के बाद में उसी पद पे तो उसको वापस पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, पर वो कोई दूसरे जो कोई भी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो अधीन कोई भी पद है वो ग्रहण नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। बात कर लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य की। तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य बहुत होते हैं, आप शॉर्टली वन बाय वन यहाँ पे रीड कर सकते हैं इनको। वीडियो पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, और मैं इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको अच्छा आसानी से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और अपनी वेबसाइट jpbhakre.com है, वहाँ पर आप विजिट करते रहा करें, वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा जानकारी डाली गई है। तो इसके चार कार्य मोस्टली आप देख लीजिएगा कि मानवाधिकार अधिकार उल्लंघन की जांच अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसके वह अवहेलना करता हो कि जांच सौंपना या न्यायालय के आदेश से करना, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार के से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, जेलों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना और इस प्रकार की सिफारिशें करना, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधि के उपबंधों की समीक्षा करना और इसे प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना, ये सारे होते हैं मानवाधिकार आयोग के कार्य। ये भी उन्हीं मानवाधिकार कार्यों में ही आते हैं, आप 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए मानवाधिकार आयोग है उसके अन्य कार्य भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी यहाँ पे है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पूरे पढ़ सकते हैं और इनको ज़रूर पढ़े, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हम जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। इसके अलावा देखिए आयोग की शक्तियों की बात करें तो वो समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र अथवा हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति होती है, उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने की भी शक्ति होती है और देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की उसके पास है आयोग के पास शक्ति होती है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका है वो भी प्रकाशित की जाती है, तो उसका नाम क्या है, मानवाधिकार संदेश। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका कौन सी जारी की जाती है, कौन सी पत्रिका जारी की जाती है ये भी पूछ लिया जाता है, तो मानवाधिकार संदेश है वो जारी की जाती है। अब देखिए इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो तो थे कांता भटनागर और वर्तमान में है वो जस्टिस प्रकाश टांटिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों को ध्यान रखना है आपको। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, कुछ अपवाद है क्या है वो सारी है वो बातें करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश और सलाहकार का होता है, ऐसा नहीं है कि आयोग किसी को सजा दे देगा, वो नहीं होता है, आयोग का कार्य सिर्फ और सिर्फ होता है सिफारिश करना और सलाहकार का होता है, एक सिफारिश और सलाहकार का होता है। आयोग एक साल से पुराने घटित मामलों की जांच नहीं कर सकता, जो एक साल के अंदर घटित हुए हैं उन्हीं मामलों पर आयोग है वो मामले पर जांच कर सकता है। आयोग सशस्त्र बल द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच नहीं कर सकता, तो आयोग है सशस्त्र बल द्वारा अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन की कोई घटना की गई है तो उसके ऊपर भी वो जाँच नहीं कर सकता। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, यानी उसे किसी भी प्रकार से कोई भी दंड देने का अधिकार नहीं है और न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता दे सकता है। हालांकि आयोग की सिफारिश उस पर कार्रवाई करे इसकी सूचना आयोग को 1 महीने के भीतर जरूर दी जाती है। तो अब यहाँ पे इस मामले में वो सिफारिश कर सकता है, हाईकोर्ट या कहीं पर दूसरी जगह है तो वो सिफारिश कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 और 3 के अंतर्गत आते हैं, यानी देखिए बात हो रही थी यहाँ पे राज्य सूची और समवर्ती सूची है, वहीं पर ये राज्य मानवाधिकार आयोग है उन्हीं मामले में अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, ऐसा नहीं कि संघ सूची का विषय है और उसके ऊपर भी ये जाँच करेगा, नहीं ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच से पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानवाधिकार ऐसे मामलों की भी जांच नहीं कर सकता है। तो ये तो थे दोस्तों यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कुछ तथ्य और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको ये जरूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने अपनी लाइव क्लास का आपको पहले ही बता दिया था, तो हमारी लाइव क्लास जरूर होगी, कल से शुरू करेंगे। और आपको कैसा लगता है हमारे वीडियो जरूर शेयर किए, अपने कमेंट में जरूर बताएं, लाइव क्लास के बारे में भी आप बता सकते हैं, क्या हम आपके लिए इंपॉर्टेंट स्पेशल लाए उसके बारे में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक अलविदा, जय हिंद जय भारत।